दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली वॉइस ऑफ हिस्ट्री के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में। और इस बार थोड़ा लेट हो गए वीडियो बनाने में। तो आज का हमारा व्लॉग जो है वो पंजाब का बहुत ही खूबसूरत शहर है, जिसे ज़रई शहर भी कहा जाता है। पंजाब का सरसब्ज और शादाब शहर है और अपनी नील गाय की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है दुनिया भर में, डेयरी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आज हम फैसलाबाद से सफ़र शुरू कर रहे हैं साहिवाल का, और 108 किलोमीटर जो है यहाँ से फैसलाबाद से साहिवाल का जो है वो सफ़र है। और रास्ते में हमारे पड़ेगा समंदरी बाईपास से हम जाएंगे साहिवाल। तो आइए साहिवाल की डिटेल शेयर कराएंगे आपको और बताएंगे साहिवाल के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। मेरे साथ रहें और सफ़र एंजॉय करें। अभी हमारा जारी है और अभी डिस्कॉर्ड हमने क्रॉस किया है और समंदरी यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर मेरे ख्याल से रह गए। उसके बाद समंदरी बाईपास से हम टर्न होंगे साहिवाल के लिए। और आज जो है ना फोग बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से छींकें ज़रा ज़्यादा आ रही है मुझे। अभी मैं साइड में रुकाऊँ क्योंकि मैंने मास्क वगैरह लगाया हुआ था और हेलमेट भी पहना हुआ था वेदर की वजह से। वैसे आज ज़रा ठंड थोड़ी ज़्यादा है, नवंबर शुरू हो गया है, लेकिन हमेशा जो नवंबर में सर्दी होती है उस तरह से सर्दी है नहीं। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं और आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। अच्छा, अभी मैंने पढ़ा है समंदरी यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। कोल्ड ड्रिंक है, कोक, हाँ ठीक है। तो अभी एक छोटी सी जगह पे हम रुके हैं और यहाँ पे नाश्ता करेंगे। नाश्ता क्योंकि मैं घर से ही लाया हूँ, और घर से लाने में ये फ़ायदा होता है आपको कि एक तो आपके पैसों की बचत होती है और दूसरा आपको अच्छा और मैारी खाना खाने को मिलता है। तो आइए नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा है यहाँ पे काश्त की जाती है मकई की, और सब्ज़ियाँ यहाँ काश्त की जाती हैं। तो समंदरी से साहिवाल तक, साहिवाल तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर रह गए, और
देखा है कि तमाम जो ज़मीन है वो ज़्यादा ज़रई ज़मीन है, तो बड़ा अच्छा इलाका है। और दरिया होने की वजह से, दरिया रावी और सतलज की वजह से जो है यहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, ज़रखेज़ तरीन ज़मीन है यहाँ की। तो आइए चलते हैं, देखते हैं शहर कैसा है। शहर वैसा देखा है मैंने, 4-5 दफ़ा पहले भी जा चुका हूँ, शहर तो बड़ा खूबसूरत है। तो ये शाहाना पुल शुरू हो गया है यहाँ से, और यहाँ से जो है वो साहिवाल, लिखा था कि साहिवाल की शुरुआत है, साहिवाल यहाँ से शुरू होता है। आइए दिखाता हूँ आपको ये शाहाना पुल। मेन मार्केट देखते हैं, मेन बाजार, और क्या क्या है यहाँ पे वो भी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये वो यादगार पार्क है जो बड़ा मशहूर है साहिवाल का,
और साहिवाल के बारे में आपको बताऊं, साहिवाल का नाम जो है यहाँ पे एक शाही जो कम्युनिटी थी जो कास्ट थी वो यहाँ पे रहा करते थे, उनकी वजह से यहाँ का नाम साहिवाल जो है वो पड़ा था। और 1865 में मतलब 1865 में जो यहाँ पंजाब का जो गवर्नर था सर रॉबर्ट मंटगोमरी, उन्होंने इसका नाम जो है वो मंटगोमरी रख दिया था। उसके बाद बंटवारे के बाद 1966 में सदर अयूब खान ने इसका नाम जो है वापस साहिवाल जो है वो कर दिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख है यहाँ की और बड़ा ज़बरदस्त शहर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई वो गंदगी के ढेर और टूटी फूटी सड़कें हैं, सड़कें भी अच्छी हैं और शहर भी बड़ा साफ़ सुथरा है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं चल के और क्या क्या है शहर के अंदर। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोगी चौक में और बड़ा जो है ना गहमा गहमी वाला इलाका डाउनटाउन है। डाउनटाउन आपको पता है किसे कहते हैं? डाउनटाउन कहते हैं जो शहर का जो है वो बिजनेस हब होता है उसे डाउनटाउन कहा जाता है। ये जो है साहिवाल का डाउनटाउन है और यहाँ मैं मौजूद हूँ और एक शॉप पे मौजूद हूँ, 5 शॉप पे मौजूद हूँ। इनसे पूछते हैं कि शहर की जो मशहूर चीज़ें वो क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मुझे बताएंगे शहर की जो ना खाने पीने के हवाले से कौन सी चीज़ें मशहूर है यहाँ पे? खाने पीने के बारे कुबाल मिठाई वाला है, मिठाई उसकी बहुत लजीज है, और बुलबुल होटल वाला है उसकी कढ़ाई बहुत मशहूर है, और डिसेंट बेकरी वाले ने उसका रस बहुत मशहूर है, और जुनेटर बेकरी है वो भी काफ़ी मशहूर है, और माखा पाए वाला उसके खरौड़े बहुत मशहूर हैं जोगी चौक में। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो लोग तो बड़े अच्छे लगे मुझे, कोऑपरेटिव थे और बड़ा इन्होंने मालूमात फराहम की मुझे, तो आपने देखा ही। अच्छा सबसे पहली बात ये होती है इम्प्रेशन जो होता है ना, जो हम जाते हैं कहीं भी किसी भी जगह तो हमें यही होता है कि लोग कैसे होंगे वहाँ पे, कैसा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छी तरह बात करेंगे नहीं करेंगे, हेल्पफुल होंगे नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी मैं नोट करता हूँ जब मैं कहीं जाता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और इससे पहले मैंने आपकी चिंची वाले से भी मैंने बात की, उसने भी मुझे काफ़ी मालूम दी। तो आइए चलते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ थी, आगे चल के फिर आपको दिखाते हैं। और अभी मैं जोगी चौक पर ही मौजूद हूँ। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था कि मैं शहर कहाँ से दिखाना शुरू करूँ। मालूमात तो मैंने ले ली है काफ़ी सारी इंटरनेट से भी, लेकिन फिर भी जो ना मैं समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शहर का बजट शुरू करूँ। तो मैंने अभी एक दोस्त को कॉल किया अपने, वो इधर ही रहता है, तो अभी वो आ रहा है, मिलते हैं उससे, उसके साथ ही जो है शहर का विजिट करेंगे और आपको मालूमात भी शेयर करेंगे।